वेब होस्टिंग इज अ सर्विस दैट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल्स टू पोस्ट वेबसाइट और वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। ठीक है, देखो वेब होस्टिंग क्या होता है, एक ऐसी सर्विस होती है जिसमें हम लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट या खुद की पर्सनल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। ठीक है, होस्ट कैसे कर सकते हैं, अब मान के चलो हमें कोई भी हम लोग एक नए शहर में आ गए। ठीक है, अब हम शहर में तो आ गए लेकिन हम लोग को रहने के लिए हम लोग को घर चाहिए। ठीक है, रहने के लिए हम लोग को एक घर चाहिए, तो जब तक हम लोग घर नहीं लेंगे तब तक हम लोग रह नहीं पाएंगे। ठीक है, ऑप्शंस है, होटल है, ठीक है, लॉज है, या फिर और भी रिश्तेदारों का घर है, हम लोग रह सकते हैं, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम लोग का एक पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हमने HTML को यूज करके पूरा का पूरा वेबसाइट डिजाइन कर लिया। ठीक है, वेबसाइट को डिजाइन कर लिया, अब वेबसाइट को रखने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। अब जो भी हम लोग फाइल्स बनाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फाइल्स दिखाऊं, जो हम लोग ने यहाँ पे फाइल्स देखा, ठीक है, जो HTML फाइल्स हमने बनाया था यहाँ पे, जैसे कि डी ड्राइव में ये HTML PGDC, इतने सारे हम लोग ने HTML फाइल्स बनाए। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मैं सबको आपस में लिंक कर दूँ और इसको इंटरनेट पे डाल दूँ, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाके मैं देखूँ, ठीक है, तो ये 24 MB का ये फाइल्स है टोटल। ठीक है, 24 MB की फाइल्स, तो 24 MB मतलब क्या है, साइज है, क्या है, साइज है। ठीक है, अब ये साइज मतलब मेमोरी हम लोग को लेना पड़ेगा इंटरनेट पे, वो हम लोग इंटरनेट जो है हम लोग के घर के कंप्यूटर से नहीं चल सकता, हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक सर्वर पे क्या लेना पड़ेगा, कि वेब स्पेस लेना पड़ेगा। ठीक है, अब वेब स्पेस हम लोग लेंगे, उसी को यहाँ पे वेब होस्टिंग हम लोग बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब होस्टिंग हम लोग बोलते हैं। तो वेब होस्टिंग मतलब क्या होता है, एक ऐसी सर्विस होती है जो हम लोग को एक स्पेस प्रोवाइड करता है, और वहां पे हम लोग को ऑप्शन मिलता है कि हम लोग अपनी वेबसाइट को या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को या वेब पेज को हम लोग इंटरनेट पे अपलोड कर सके। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं आगे, ए वेब होस्ट और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इज ए बिजनेस दैट प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजीज एंड सर्विसेज नीडेड फॉर ए वेबसाइट और वेब पेज टू बी व्यूड ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अब वेब होस्ट और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। ठीक है, तो अगर एक मिनट मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा वेबसाइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, मैं अपना, क्योंकि मेरा डोमेन एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसको दिखाऊं तो देखो अभी मेरा ये सी पैनल खुल नहीं रहा, क्योंकि मेरा सर्वर भी एक्सपायर हो चुका है, 1 साल हो चुका है इसको लेके, तो ये सी पैनल भी अभी नहीं खुलेगा क्योंकि ये भी बंद हो चुका है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हम लोग ने एक वेबसाइट बनाया उसको अपलोड करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, वेब स्पेस चाहिए। ठीक है, ताकि हम लोग उस वेबसाइट को क्या कर सके, होस्ट कर सके। होस्ट करना मतलब अपलोड करना इंटरनेट पे, यही मीनिंग होता है इसका। ठीक है, द स्पेशल कंप्यूटर्स ऑन विच वेबसाइट्स आर होस्टेड आर कॉल्ड सर्वर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो सर्वर की बात कर रहे हैं, सर्वर क्या होगा, एक ऐसा स्पेशल कंप्यूटर होगा जिसमें बहुत सारे हार्ड डिस्क लगे होते हैं। हार्ड डिस्क मतलब बहुत बड़ा स्पेस होता है, उसमें हम लोग ऐसे 1 TB 2 TB के हार्ड डिस्क नहीं लगाते, उसमें बहुत 1 TB 2 TB के ऐसे मिलियंस ऑफ हार्ड डिस्क लगे होते हैं। ठीक है, मतलब मान के चलो एक सुपर कंप्यूटर होता है वो, जिसके अंदर स्पेस बहुत सारे अवेलेबल होता है, मतलब मेमोरी बहुत सारी अवेलेबल होगी, और वहीं से हम लोग यहाँ पे 1 GB 2 GB 5 GB का स्पेस हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, और उस टाइप कंप्यूटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। ठीक है,
When internet wants user want to view your website, all they need to do is type your website address or domain into their browser. अगर हम लोग को वो वेबसाइट को एक्सेस करना है तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, डोमेन नेम हम लोग को डालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग ने वेबसाइट बना चुके हैं, वेब होस्टिंग मान के चलो हमने ले लिया, ठीक है। अब हम लोग को दूसरा चीज क्या चाहिए, डोमेन चाहिए, ठीक है। डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन भी हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये प्रोसेस क्या होता है वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। देयर कंप्यूटर विल देन कनेक्टेड टू योर सर्वर एंड योर वेब पेजेस विल बी डिलीवर्ड टू देम थ्रू योर ब्राउजर, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो चीजें हैं, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है, कि क्या क्या चीजें होती है, ठीक है। अगर हम लोग को कोई भी वेबसाइट को ऑनलाइन करना है, ठीक है, तो हम लोग को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोग वेब होस्टिंग खरीद लें, वेब होस्टिंग हम लोग परचेज करेंगे। अब वेब होस्टिंग कैसे परचेज करेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सेकंड होता है डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। थर्ड होता है यहाँ पे वेब साइट डिजाइनिंग, ठीक है। वेबसाइट हम लोग बनाएंगे, ठीक है, या फिर बना हुआ है हमारे पास तो हम लोग ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सर फोर्थ होता है, ठीक है, वेबसाइट अपलोडिंग, ठीक है। वेबसाइट को हम लोग क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, कहाँ अपलोड करेंगे, सर्वर पे अपलोड करेंगे, ठीक है। और फिफ्थ होता है गो लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे ये पांच स्टेप होते हैं किसी भी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी वेबसाइट को हम लोग को ऑनलाइन करना है तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वेब होस्टिंग परचेज करना पड़ेगा। अब वेब होस्टिंग क्या होता है मैंने अभी भी बताया, ठीक है, एक प्रकार का स्पेस होता है, वेब स्पेस, ठीक है, वेब स्पेस हम लोग को ले लेना है। सेकंड होगा डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, सेकंड क्या होगा, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये मैंने कल बताया कि डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और कैसे डोमेन नेम और आईपी एड्रेस को लिंक किया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड आता है वेबसाइट डिजाइनिंग, थर्ड आता है वेबसाइट डिजाइनिंग, फिर उसके बाद आता है वेबसाइट अपलोडिंग टू सर्वर, ठीक है। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, अभी मैं वेब होस्टिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, आगे देखते हैं। मोस्ट होस्टिंग कंपनीज रिक्वायर योर डोमेन टू होस्ट विथ यू, इफ यू डू नॉट हैव डोमेन होस्टिंग कंपनीज हेल्प यू टू बाय द डोमेन। अगर हमने होस्टिंग खरीद लिया और हमारे पास डोमेन नहीं है, ठीक है, तो कुछ कुछ कंपनीज ऐसी होती जो हम लोग को डोमेन भी वहां पे देती है। जैसे कि इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, GoDaddy.com, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ GoDaddy.com, ठीक है, यहाँ पे GoDaddy वाला खुल चुका है। यहाँ पे हम लोग कोई भी डोमेन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसी वेबसाइट है जिसके पास हम लोग को सारी वेबसाइट से रिलेटेड चीजें हम लोग को मिल जाएगी, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे किसी का भी एक नाम देखता हूँ, जैसे मैं अनिल, मैं लिखता हूँ अनिल, अनिल टिक्का डॉट कॉम, ये मैं सर्च करता हूँ, ठीक है, मैं अनिल का एक वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है, अनिल टिक्का डॉट कॉम इज अवेलेबल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी किस्मत है, अनिल टिक्का डॉट कॉम जो है अवेलेबल है, और 499 रुपीज पर ईयर के प्लान में ये मिल रहा है, ठीक है। तो अगर ये हम लोग परचेज करते हैं, ठीक है, तो ये डोमेन नेम होगा, क्या होगा, डोमेन नेम, ठीक है।
हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम लोग को डोमेन खरीदना होता है, ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है, बस हम लोग को कुछ भी डिटेल्स वगैरह डालनी होती है, जैसे यहाँ ऐड टू कार्ट करता हूँ, साइन इन हमें करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, कुछ कुछ चार्जेस और लगते हैं इसमें, ठीक है, 1 साल का चार्ज, 2 साल का चार्ज, ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें बास्केट है, ठीक है, 1 साल का चार्ज लगेगा 499, ठीक है, अगर 2 साल का लेते हैं तो यहाँ पे चार्जेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, 1248 रुपीज़, फिर उसका 3 साल का लेंगे तो इस टाइप से चार्जेस बढ़ते जाएंगे, ठीक है, 5 साल 10 साल के भी प्लान्स होते हैं, ठीक है, प्लान्स होते हैं कि कितने दिन के लिए हम लोग इसको लेना चाहते हैं, ठीक है, कंटिन्यू इसको करेंगे हम लोग, कंटिन्यू टू कार्ड, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स हम लोग को डालनी होती है, ठीक है, यहाँ पे देख लो ऑप्शंस, यहाँ पे देख फुल डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, व्यू डिटेल्स में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को बता रहा है प्रोटेक्ट्स अगेन डोमेन हाईजैकिंग एंड मैलिशियस ट्रांसफर, प्रिवेंट्स एक्सीडेंशियल डोमेन लॉस ड्यू टू एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड और अदर बिलिंग फेलियर्स, ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा डोमेन जो है हाईजैक हो जाता है, जैसे मान लो मैंने अनिल का जो है वो चला रहा है, ठीक है, अनिल का नाम से मैंने लिया, ठीक है, या फिर जैसे मान के चलो साई कॉलेज .org हमने लिया, ठीक है, तो 1 साल बाद वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिया 1 साल के लिए, 1 साल बाद वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, या फिर जो बिलिंग था उसका वो 1 साल बाद का था, ठीक है, तो क्या होगा, बिलिंग का जब टाइम आएगा उस जो बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो फेमस फेमस जो कीवर्ड्स होते हैं, फेमस फेमस जो है, जैसे मान लो कि रिलायंस है, रिलायंस, ठीक है, तो रिलायंस डॉट कॉम को क्या करेगा, अगर मान के कि चलो किसी को पता है कि वह एक्सपायर होने वाला है तो क्या करेगा, पहले से उसको बुक कर लेगा, बुक कर लेगा मतलब खरीद लेगा, और उसको मन माने दाम पे उसको बेच सकता है, करोड़ों रुपए उससे कमा सकता है, ठीक है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से चल रही है उसको तो एनी हाउ लेना ही लेना है, ठीक है, तो हम लोग इसको परचेज करके बेच सकते हैं, उसी को बोलते हैं हाईजैकिंग, और बहुत सारे लोग इसमें फंसते भी है, ठीक है, बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनके इस पे कॉपीराइट होती है, मतलब ट्रेडमार्क होता है, ठीक है, तो ट्रेडमार्क अगर एक बार हो गया, पेटेंट वो हो गया, तो वो उस डोमेन को कोई भी नहीं खरीद सकता। अब पेटेंट यहाँ पे कैसे किया जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया फ्लिपकार्ट, ठीक है, अगर मैं इस फ्लिपकार्ट की बात करूँ, ठीक है, ये एक वेबसाइट है, तो फ्लिपकार्ट ने जितने भी कार्ट करके था, कार्ट मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें कार्ट आता हो, वो सब उसने परचेज करके रखा हुआ है, कार्ट करके ऑप्शन मिलने वाला ही नहीं है हम लोग को, ठीक है, तो अगर हम लोग फ्लिपकार्ट करते हैं, क्लिपकार्ट करते हैं, कुछ भी कार्ट करते हैं, मतलब जो भी ऐसा कि वो इससे रिलेटेड हो, ठीक है, वो सब चीज पे कॉपीराइट करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब हम लोग फ्लिपकार्ट डॉट कॉम को फिर से परचेज नहीं कर सकते, ठीक है, उसका कॉपीराइट है उसमें, मतलब उसने परचेज करके रख लिया है, ठीक है, एक बार उसको परचेज कर लिए तो सेम प्रोडक्ट उसको दोबारा, मतलब सेम डोमेन उसको दोबारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाईजैकिंग, ठीक है, उसके बाद यहाँ दिया है प्रिवेंट्स एक्सीडेंशियल डोमेन लॉस ड्यू टू एन एक्सपायर्ड क्रेडिट कार्ड एंड अदर बिलिंग फेलियर्स, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बात हुई डोमेन की, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेब होस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रोसेस होता है एक डोमेन खरीदने का। अब यहाँ पे मैं अगर बताऊं कि उड़के एक नहीं उड़के है ठीक है, अब यहाँ पे मान लो हमने डोमेन खरीद लिया, ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, होस्टिंग करेंगे, यहाँ तो हम लोग को होस्टिंग का भी ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे डोमेन से यहाँ पे होस्टिंग पे चले जाएंगे, यहाँ पे हम लोग को कुछ कुछ प्लान्स मिलेंगे, हम लोग को यहाँ वेब होस्टिंग ले लेना है, वेब होस्टिंग पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है, आप लोग खुद भी इसको देख सकते हो, GoDaddy.com की वेबसाइट पे जाके यहाँ पे सारा सारी चीज यहाँ पे मिल जाएंगी, आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे वेब होस्टिंग हम लोग को खरीदना है, वेब होस्टिंग यहाँ पे क्या है देखो, ठीक है, स्टार्टर पैक है 99 रुपीज पर मंथ, ठीक है, ये पर मंथ के में रहता है, ठीक है, पर मंथ या पर ईयर के हिसाब से आता है, अगर 99 रुपीज वाला सिंगल वेबसाइट को होस्ट कर सकता है, ठीक है, बेसिक प्लान फॉर ए सिंगल वेबसाइट। अब यहाँ पे हम लोग को क्या मिलता है, यहाँ मिलता है 256 MB का रैम मिलता है,
ये रैम का क्या फायदा है, ठीक है, क्योंकि आजकल की वेबसाइट जो होती है बहुत अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजी यूज करती है, ठीक है, तो उसको प्रोसेस करने के लिए भी उसके सर्वर के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने कोई ऐसा डोमेन ले लिया, ठीक है, या फिर कोई ऐसा वेब होस्टिंग ले लिया जिसके पास रैम वैम कोई फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, तो हम लोग को वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमने बहुत अच्छा एक वेबसाइट बनाया जिसमें बहुत सारे ग्राफिक्स हमने डाले, बहुत सारे एनिमेशन हमने डाला, कुछ गेमिंग वेबसाइट है, ठीक है, तो वैसे वेबसाइट को प्रोसेस करने के लिए भी तो टाइम लगेगा, क्योंकि सर्वर क्या करेगा, प्रोसेस करके ही उसको क्या करेगा, देगा, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग को रैम चाहिए, जैसे मोबाइल में हम लोग गेम वेम खेलते तो रैम लगता है, वैसे ही वेबसाइट को भी रैम लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट है कि एक ही वेबसाइट होस्ट कर सकता है, फिर उसके बाद अनमीटर्ड बैंडविड्थ, अनमीटर्ड मतलब कोई भी लिमिट नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं बैंडविड्थ क्या होता है, ठीक है, बैंडविड्थ मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कोई भी ब्रॉडबैंड यूज करते हैं या फिर कोई भी इंटरनेट यूज करते हैं तो स्पीड कितना दे रहा है, ठीक है, स्पीड कितना देगा। अगर मान के चलिए मैंने 100 Mbps का घर में कनेक्शन लगा के रखा है, ठीक है, उसकी डाउनलोडिंग स्पीड होगी 50 Mbps, जितनी मेरी बैंडविड्थ इंटरनेट की होगी उतना ही स्पीड ये वेबसाइट भी हम लोग को देगा। अगर हमने कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड करके रखा है, अगर उसको डाउनलोड करने में समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे हम लोग बहुत सारे मूवीज वगैरह डाउनलोड करते हैं या बड़ी बड़ी फाइल्स हम लोग डाउनलोड करते हैं, तो कोई कोई वेबसाइट में बहुत जल्दी हो जाती है, या फिर गूगल की जब वेबसाइट से हम लोग कुछ भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो अब वो किसकी स्पीड है, वो बैंडविड्थ की स्पीड है, मतलब जो हमने सर्वर लिया हुआ है उसकी स्पीड है, उसका बैंडविड्थ से जितना ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है, उतनी ही हम लोग को उस वेबसाइट को एक्सेस करने की स्पीड सबसे ज़्यादा मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है 30 GB स्टोरेज, 30 GB का स्टोरेज मिल रहा है, ठीक है, मतलब 30 GB का डेटा हम लोग इस होस्टिंग में सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन डेटाबेस बोल रहा है, हम लोग अगर कोई एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं जिसमें एक डेटाबेस बना है, ठीक है, तो एक डेटाबेस भी यहाँ पे सेव हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्री वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, वर्डप्रेस एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम लोग वेबसाइट को बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली, यहाँ पे वन क्लिक में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग प्लान्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो 499 वाला प्लान ले रहा हूँ, ये यहाँ पे सारी चीज़ अनलिमिटेड, यहाँ बोल रहे इंक्रीज प्रोसेसिंग पावर, अनलिमिटेड वेबसाइट्स, जितनी मन चाहे वेबसाइट्स को अपलोड कर दो, अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड डेटाबेसेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, फ्री वन क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉल, फ्री डोमेन भी ये दे रहा है, फ्री SSL सर्टिफिकेट भी ये दे रहा है। SSL मतलब सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे लिख रहा है HTTPS, S का मतलब होता है सिक्योर्ड, ठीक है, यहाँ पे बोलता है ना कनेक्शन इज सिक्योर, इसका मतलब इसके पास ही, इस वेबसाइट के पास ही SSL सर्टिफिकेट है। अगर इसका सर्टिफिकेट देखना चाहते हो यहाँ सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है, ये SSL का सर्टिफिकेट है, प्रूव्स योर आइडेंटिटी टू ए रिमोट कंप्यूटर, ठीक है, उसका IP एड्रेस क्या है, सारा चीज़ सर्टिफाइड है यहाँ पे, मतलब कोई भी धांधली इसमें नहीं किया जाता, ठीक है। इशूअर स्टेटमेंट भी हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि कौन इसको इशू किया है, ठीक है। रिपोजिटरी होती है, यहाँ पे सारी डिटेल्स भी हम लोग को मिल जाती है, ठीक है, ये उसकी डिटेल्स है पूरी, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, रूट सर्टिफिकेट, बहुत सारी टाइप के, देखो यहाँ पे सर्टिफिकेट, थंबप्रिंट है ये सब, ठीक है, तो ये सब सिक्योर होते हैं, उसके लिए हाँ SSL हम लोग को लेना पड़ता है। तो ये एक वेब होस्टिंग है जिसमें हम लोग को कुछ वेब स्पेस मिलता है, ठीक है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को रखते हैं, ठीक है, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट को रखते हैं,